आपका पहले से एक फार्म ऑलरेडी बना हुआ था और फिर से आपने ये नया से एक फार्म बनवाया है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, बकरी वो टाइम कम था, अभी बकरी कुछ बड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने ये नया सेट बनाया। और बहुत अच्छी बात है सर। तो ये जो सेट आपने बनाया है, ये इसका साइज क्या है? ये 22 फुट चौड़ाई है, 22 फुट लंबाई है और 14-15 फुट चौड़ाई है। 14-15 फुट चौड़ाई है। तो सर, ये जो फार्म आपने बनवाया, हम देख पा रहे हैं कि आपने इसे पूरा का पूरा सफेद रंग से पुतवा दिया है, तो ये सफेद रंग क्यों है? खूबसूरती के लिए कि कोई और कारण है? हाँ, खूबसूरती के लिए भी है, और आपका अगर बैक्टीरिया रहेगा कुछ भी तो वो सब निकल जाएगा। तो सर, ये जो रंग किया आपने, इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया है? सिर्फ चूना। चूना? तो ये चूना पोतने से ही बैक्टीरिया मरेगा कि कोई भी रंग करने से बैक्टीरिया मरेगा? नहीं, चूना से तो बोलता तो है ऐसे ही बैक्टीरिया कम हो जाता है। नहीं सर, बोलने का बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह जो कुआं होता है हम लोग के पानी का जगह, उसमें भी चूना डाला जाता है और सच में बैक्टीरिया मर जाता है। चूना, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में हम देख रहे हैं कि आपने इसमें नेट और अपने लोहा ग्रिल का इस्तेमाल किया है, इसका क्या कारण? ये तीन पार्टीशन है, ये अलग सा मैंने बाड़ा बनाया कि लोडेड फीमेल के लिए अलग सा और बच्चे के लिए अलग सा और खस्सी और ब्रीडर के लिए अलग सा। तो ये अलग अलग क्यों बनाया है, लोडेड और फीमेल और आपका ब्रीडर? अपने आप लड़ता है बहुत, मतलब लोडेड जो फीमेल होती है वो लड़ने लगती है। लड़ने लगती है, वैसे इसी कारण से आपने इसको बनवाया है। तो आपका ये जो टोटल स्पेस था, आपने कितना बताया है टोटल आपका जो ये लैंड है कितना है? ये 5 कट्ठा का है। 5 कट्ठा। तो आपका ये सेट बना हुआ टोटल कितना जगह में है? 2.5 से 2 कट्ठा। 150 मतलब 1,012 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और खुला स्पेस लगभग कितना है? बाकी वो खुला जो जगह का है, खुला जो जगह, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 3 से 3.5 कट्ठा। 3 से 3.5 कट्ठा आपने खुला रखा है और 1.5-2 कट्ठा जैसा घेर के रखा है। सर, बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं सेट आपने बनवाया है, एक सेट आपका पूरा तरह से बंद है, वहीं पे देख रहे हैं ये जो नया सेट आपने बनवाया है, इसमें आपने पूरा तरह से खुला रखा है, इसका क्या कारण है? ये दिन में हम बकरी या बाकी सब यहाँ रखते हैं, हाँ, और रात का टाइम में हम यहाँ घर घुसा देते हैं, और घर पूरा एकदम पैक किया हुआ है, मतलब ठंडा के समय में पैक किया हुआ है, पूरा पैक किया हुआ है। तो ये मैं शाम रात को ही मैं घुसाता हूँ। तो सर, आपने ये जो सेट बनवाया है, इसमें कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल किया है? ये पाइप है, टीना है, और रड है, नेट है, सब कुछ का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठंडे के सीजन में टीना जल्दी ठंडा हो जाता है और वहीं पे गर्मी के सीजन में जल्दी गर्म हो जाता है, तो आपने टीना का सेट बनवाया, इसका क्या कारण है? सर, टीना का सेट बनाया है, ये बाहर दिन में रखने के लिए जो जगह है वो टीना का बना हुआ, हाँ, और जो रात में जहाँ रखते हैं वो वाला टीना है, लेकिन उसको ऊपर से आपको पूरा पैक किया हुआ, मतलब ताकि ठंडा और गर्म बहुत जल्दी ना, ठंडा मतलब ठंडा में बुझाएगा ही नहीं कि ये ठंडा का टाइम। तो सर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो आपका सेट का जो नीचे फ्लोर है, ये पक्का आपने कर दिया है, तो ऐसा क्यों है? ये पक्का करने का मकसद है, ये अगर मिट्टी रखते तो बहुत मतलब कचरा होता, मिट्टी बहुत कचरा होता है। तो सर, देख रहे हैं बहुत ही सूखा और साफ सुथरा है, तो आपकी बकरियां जब इसमें पेशाब करती है, यूरिन करती है, तो क्या ये गंदे नहीं होते हैं? ये तुरंत सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है धूप में। ये कुछ स्पेशल तरीका से बनाया है कि ये सूख जा रहा है जल्दी? नहीं, ऐसे नहीं है, नॉर्मल सेट है, नॉर्मल है, आपका धूप जैसे घुसता है वैसे सूख जाता है। ठीक है सर। तो ये जो ठंडा का सीजन है और ये खुला सा इलाका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके फार्म में कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे बकरी फार्म में जाने से एक बहुत ही भयंकर स्मेल आता है, आपके यहाँ पे स्मेल नहीं है, तो इसका क्या राज है, थोड़ा बताइए हमारे फार्मर्स को या फिर दर्शकों को। साफ सफाई अच्छे तरह से रखिएगा तो स्मेल नहीं आएगा, स्मेल नहीं। बात है साफ सफाई रखिएगा तो आपका फार्म में बीमारी भी कभी नहीं आएगा, साफ सफाई रखना जरूरी है।